पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला 11,300 करोड़ से भी बड़ा है। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि बैंक को 1,322 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फर्जी ट्रांजैक्शन का पता चला, यानी कि अब कुल घोटाला 12,622 करोड़ रुपए हो गया है। पीएनबी को कुछ अतिरिक्त लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मिले हैं जो कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी से जुड़े हैं। दरअसल बैंक घोटाले के बाद बैंकों की विदेशी शाखाओं ने अपने पोर्टफोलियो नए सिरे से खंगाले थे, जिसके बाद उन्हें नए फर्जी एलओयूज का पता चला, जिसकी जानकारी पीएनबी ने एक्सचेंजेस को दी। नया फर्जी ट्रांजैक्शन पंजाब नेशनल बैंक के वित्त वर्ष 2017 में नेट इनकम के बराबर है। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के बाद सरकार भी हरकत में है। सरकार ने सरकारी बैंकों को गड़बड़ियां पकड़ने और उन्हें दूर करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया। सरकारी बैंकों से कहा गया कि वो बैंकिंग सेक्टर की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली से सीखें, मौजूदा व्यवस्था में कमियों और कमजोरियों को पहचानें, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का तुलनात्मक मूल्यांकन करें, कमियों की पहचान के साथ साथ सुधार के मौके भी खोजें। एक स्टैंडर्ड पर रिपोर्ट बनाने के लिए ग्रुप का गठन किया जाए जो तकनीकी समाधान के लिए एक्शन प्लान्स के सुझाव हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि वरिष्ठ अधिकारियों की साफ साफ जवाबदेही तय की जाए, जो कंप्लायंस और नियमों के लागू करने की रिपोर्ट बोर्ड को सौंपेंगे। सरकारी बैंकों को सख्ती से इन सभी बिंदुओं का पालन करने को कहा गया है।